नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। टोकखुर्द स्वच्छाग्रही एवं सहजकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर जनपद पंचायत सीईओ लाखन सिंह सिसोदिया एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष पोप सिंह जरवाय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि हम समस्त संकुल सहजकर्ता एवं स्वच्छाग्रही लगभग 4-5 वर्षों से गांव में घूम घूम कर स्वच्छता की अलग जगा रहे हैं एवं गांव वालों को स्वच्छता के लिए जागृत कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर 2019 से हम लोगों को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जा रहा है एवं जिस कारण से हम लोगों के सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या आ रही है, जबकि माननीय जी द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र हम लोगों को पूर्ण वेतनमान एवं नियमित किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक उक्त आश्वासन पर कोई अमल नहीं हुआ है। हम लोगों को एक वर्ष से अधिक समय से कोई मानदेय नहीं दिया गया, अतः हम 4 सूची मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी विशेष मांग है कि मनरेगा के तहत गेट के रूप में स्वच्छता ग्राहियों द्वारा ये किए गए कार्यों का मानदेय दिलवाया जाए, कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए प्रचार प्रसार का मानदेय भी दिलाया जाए, अपशिष्ट प्रबंधन फेज 2 कार्यक्रम में छूटे स्वच्छाग्रहियों को कार्यक्रम में जोड़ा जाए और नियमित कार्य एवं नियमित वेतन दिया जाए, ग्राम पंचायतों में शौचालय विहीन परिवारों को चिन्हित किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में स्वच्छाग्राही एवं सहजकर्ता संगठन के अध्यक्ष कांतिलाल जोशी, सुरेंद्र सिंह शिंदे, जितेंद्र अवलावदिया, गोकुल सिंह, विजेंद्र सिंह सोलंकी, राहुल भोला मंडलोई, नवीन जलोदिया राहुल सहित संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज आप युवाओं को लेकर यहाँ जनपद पंचायत कार्यालय आए हैं, किस समस्याओं को लेकर आए आप इनको लेकर? आदरणीय श्री प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने हमको स्वच्छ भारत मिशन में पहले ट्रेनिंग दी, इसके बाद सबको इन्वॉल्व करा कि अपने स्वच्छ भारत मिशन में आपको हर कदम स्वच्छता की ओर पे अग्रसर होके हमारे इस मिशन को पूर्ण रूप से सफल बनाना है। हम लोगों ने रात को 5 बजे उठ के जिला कलेक्टर, एचडीओ, एचडीएम, यहाँ आंगनवाड़ी सब कार्यकर्ता मिलके स्वच्छ भारत मिशन को एक नंबर पर पहुँचाया। पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन से प्रधानमंत्री को जानने लग गए, लेकिन इन बालकों को आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने ना सही मानदेय दिया, ना ODF प्लस का पैसा मिला है और ना ही कोई इनको रोजगार है। ये सब दर दर भटक रहे हैं। मेरा प्रधानमंत्री निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी इनको या तो नौकरी दी जाए या इनको फिर गंगा में धक्के दे दिए जाए।